ओके तो भाई अभी जो आप देख रहे हो अभी के जस्ट कुछ घंटे बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का रुख पूरी तरीके से बदल गया होगा। रोमन रेंज जो कि आपके चैंपियन है अभी के कुछ घंटे बाद रोमन रेंज चैंपियन नहीं रहेंगे, आपके नए चैंपियन कोडी रोड्स होने वाले हैं। रोमन रेंज के पास जो पॉल हेवन है वो पॉल हेवन नहीं रहेंगे, रोमन रेंज के पास उनका भाई नहीं रहेगा, रोमन रेंज के पास उनका ब्लड लाइन नहीं रहेगा। कोडी रोड्स फाइनली अपना स्टोरी को फिनिश कर चुके होंगे अभी के जस्ट कुछ घंटे बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, और ये सारा बात मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ये सारा चीज एक फुल्ली स्क्रिप्टेड है। कोडी रोड्स को जो सिंपैथी चाहिए था फिर से के तरफ से वो सिंपैथी फिर से नाइट वन के अंदर हारने के बाद मिल चुका है। रोमन रेंज को जो टाइटल रेन चाहिए था वो टाइटल रेन उनको मिल चुका है। रॉक को जो मैच चाहिए था वो मैच रॉक को भी मिल चुका है। अब रॉक का सिर्फ एक एम है, रोमन रेंज ने उनको जो स्पीयर लगाया उस स्पीयर का बदला लेना कल के दिन। आपको बता दूं भाई मैंने जितना भी चीज आपको बताया था सारा चीज एग्जैक्टली कल के मतलब रेसलमेनिया के अंदर सारा चीज होने वाला है। जैसा कि मैं आपको बताया था एक सिनेमा चलने वाला है जिसके अंदर सारे लोग रोमन रेंज के अगेंस्ट होंगे। स्टोन कोल्ड, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस, रॉक सारे लोग रहेंगे पर कोई भी रोमन रेंज के फेवर में नहीं रहने वाला। आप तस्वीर देखो रहे यही तस्वीर जैसा रोमन रेंज को हराया जाएगा और रोमन रेंज के हाथ से कल के दिन टाइटल लिया जाएगा। और इस बात को भाई रॉक ने भी मतलब कंफर्म कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आपको कल के मैच के अंदर आपको बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलने वाला है। वो जो अनएक्सपेक्टेड चीज है भाई बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। देखो भाई मेरा क्या बिलीव है भाई ये जो अनहोनी है अब ये टलने नहीं वाला है। रोमन रेंज कल के दिन हारने वाला है चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताया हूं भाई सिर्फ एक कंडीशन है जिसके थ्रू शायद से रोमन रेंज विन कर सकते हैं, हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का बेट्रेल। अगर सेथ रॉलिंस भाई किसी तरीके से अगर कोडी को धोखा देते तब भाई आपको स्टील चैंपियन रोमन रेंज देखने को मिल सकता, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस का अभी भाई टाइटल मैच नहीं हुआ है ड्रू मैकइंटायर के साथ, इसलिए भाई ये करंट टाइम में मतलब कोडी रोड्स के साथ कल के दिन भाई सेथ रॉलिंस का मैच होगा ड्रू मैकइंटायर के साथ जिसके अंदर भाई सेथ रॉलिंस हार जाएंगे और फिर वो अपना टाइटल हारने के बाद भाई कोडी रोड्स से फाइनली सैसो बदला ले सकते हैं गुस्सा में, ऐसा हो सकता है। बस भाई आप लोग ऐसा समझ लो कि भाई बस एक ही करंट है पॉजिटिव पॉइंट मतलब रोमन रेंज के साइड जो कि है सेथ रॉलिंस। भाई ऐसा कुछ भी नहीं कि मतलब भाई रोमन रेंज ने भाई फाइनली जो स्पीयर लगा दिया था रॉक को उसका बदला रॉक मतलब लेंगे कल के दिन। ये जो स्पीयर है भाई सिर्फ एक बहाना इस मैच को थोड़ा सा हाइप करने के लिए, एक्चुअली भाई रॉक का बहुत पहले से इंटेंशन था रोमन रेंज के साथ मैच करने का। कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाई रॉक ने मतलब इस बात को खुद से बोल दिया था कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आया था रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करने के लिए। ऑडियंस को जब मेरा और रोमन रेंज का मैच नहीं देखना पसंद था इसलिए मतलब मैंने मैच करवा दिया कोडी रोड्स के साथ। ये स्टार्टिंग से भाई डब्ल्यू वाले का प्लान था, मतलब रॉक भाई धोखा देते ही देते रोमन रेंज को। भाई ये जो प्लान है भाई ये काफी टाइम पहले का प्लान है और आप लोग इस बात को भाई कंफर्म मान लो कि भाई 70-80% चांसेस है कि भाई रॉक धोखा देंगे रोमन रेंज को। और मैं सिर्फ रॉक का बात नहीं कर रहा हूं भाई, आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि भाई करेंट टाइम में रोमन रेंज भाई एक मतलब माया जाल में फंसे हुए हैं। करेंट टाइम भाई जिमी उसो जे उसो का मैच हो चुका है भाई, मतलब हो सकता है भाई ये दोनों फिर से हमें एक साथ भी कल देखने को मिल जाए। तो भाई कल के मैच के अंदर भाई आपको अनएक्सपेक्टेड चीज आपको भर भर कर देखने को मिलेगा, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। एक चीज और भाई स्पेशली भाई आपको रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में भाई जो मैच देखने को मिलेगा उस मैच का क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई रहने वाला है। रेडी भाई आज का जो मैच था भाई ये सच में बहुत कमाल का मैच था, मैंने इसको मतलब 5-स्टार रेटिंग इकलौता मैच को मैंने दिया। भाई रोमन रेंज और कोडी रोड्स के बीच में भाई कल के दिन जो मैच होने वाला भाई मतलब इससे 5 टाइम ज्यादा आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप लोग खुद देख लो भाई रेसलमेनिया 40 भाई कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट नाइट कंप्लीट हो चुका है, हमें कोई भी सरप्राइज चीज देखने को नहीं मिला, किसी का सरप्राइज रिटर्न वगैरह भाई कुछ भी देखने को नहीं मिला, सारा चीज डब्ल्यू वाले भाई मतलब कल के लिए बचा के रख रहे हैं। तो ये सारा चीज आपको कल के दिन देखने को मिलेगा भाई, इस मैच का जो रेसलिंग क्वालिटी भाई बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। भाई अगर हम लोग करंट टाइम बैटिंग ऑड्स का बात करें तो भाई करंट टाइम बैटिंग ऑड्स में भाई पूरी तरीके से फेवरेट हमारे कोडी रोड्स ही हैं। कोडी रोड्स भाई करंट टाइम -700 से लेकर -800 तक करंट टाइम फेवरेट है। तो भाई कोडी रोड्स का भाई कल के दिन विन करने का भाई 80% चांसेस है, मतलब हारने का भाई बस 20% चांसेस है। आपको बताया भी था कि भाई आप लोग स्टोरी लाइन को सीधे तरीके से गुंथर और सैमी जेन के साथ आप लोग रिलेट भी कर सकते हो। सैमी जेन एक हारा हुआ बंदा था, उसके बावजूद भी इन्होंने गुंथर को हरा दिया अपने पोटेंशियल के वजह से। यही पोटेंशियल यही ऑडियंस का प्यार कर कोडी रोड्स मतलब दिखाने वाले, कोडी रोड्स अपना ओरिजिनल पावर दिखाने वाले। साथ ही साथ भाई आपको पता ही है कल के दिन सारे लेजेंड आने वाले, सारे लेजेंड आकर यहाँ पर कोडी रोड्स को सेव करने वाले। देखो यार मैं तो भाई यही पर्सनली चाहता हूँ कि भाई सेथ रॉलिंस भाई किसी तरीके से कोडी रोड्स को धोखा दे दे। रोमन रेंज के भाई टाइटल रन को मैं अभी करंट टाइम एंजॉय करूँ, मैं चाहता हूँ भाई रोमन रेंज और रॉक के बीच में भाई हमें टाइटल मैच देखने को मिले। शायद भाई ऑडियंस जितना मतलब प्यार कर चुकी है करंट टाइम कोडी रोड्स को भाई मतलब करंट टाइम में शायद से पॉसिबल है ही नहीं। कोडी रोड्स भाई आज के दिन मैच के अंदर जैसी हारे भाई एक नया और पहचान बना चुके हैं ऑडियंस के बीच में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई ये सारा चीज इमोशनल चीज इसलिए दिखा रहे ताकि भाई मतलब जानबूझकर ऑडियंस भाई इमोशनल हो कोडी रोड्स को लेकर। भाई ऐसा नहीं होता हर बार कि आप जो चीज देखना चाहते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब एक्जेक्टली वही चीज आपको दिखा। कोडी रोड्स को लेकर भाई मैं फिलहाल बिल्कुल फाइनल हो चुका हूं भाई, कल के दिन आपको कोडी रोड्स नए चैंपियन देखने को मिलने वाले। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा सेथ रॉलिंस के बारे में बात करें तो भाई कल के दिन सेथ रॉलिंस का मैच ड्रू मैकइंटायर के साथ। मैं भी भाई किसी को नहीं पता भाई शायद से ब्लडलाइन भाई इस मैच के अंदर भी आकर अपना उंगली घुसा सकती है। आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई ब्लडलाइन आकर इस मैच के अंदर भी भाई मतलब अपना इंटरफेरेंस कर सकता है। भाई आप लोग एक चीज नोटिस किया भाई रोमन रेंज और रॉक ने भाई मतलब भाई बिना चीटिंग के हराया आज के दिन सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स को। लो वगैरह मतलब भाई भले ही दोनों यूज किए पर भाई दोनों ने विदाउट चीटिंग बिना किसी का हेल्प का हराया था। तो ये मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज और रॉक के लिए भाई एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मतलब भाई इन्होंने मतलब क्लियर तरीके से हराया। सेथ रॉलिंस के मैच के अंदर भाई ज्यादा चांसेस यही कि भाई आपको सीएम पंक का आपको बहुत सारे इंटरफेरेंस आपको देखने
देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वो कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठने वाले। बाकी भाई रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भाई दोनों भाई के हाथ से एक ही बार भाई कल के दिन टाइटल जाने वाला, ये चीज कंफर्म है। पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले भाई सच में रेसलमेनिया 40 का भाई किस तरीके से एंडिंग दिखाने वाले, पर हाँ जो भी एंडिंग होगा भाई सच में ग्रेट होगा। तो भाई लिटरली रेसलमेनिया 40 को आज देखा तो भाई मैं तो लिटरली गाली दे रहा था, मतलब भाई सारा मैच बिल्कुल बकवास भाई। एटलीस्ट भाई मतलब जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा होता रोमन रेंस के ऊपर भाई, रोमन रेंस ने मतलब इज्जत बचा लिया पूरा रेसलमेनिया 40। रोमन रेंस और रॉक का जो मैच देखने को मिला, रॉक ने भाई स्पेशली इतने सालों बाद इतना कमाल का जो रेसलिंग किया भाई वो सच में नेक्स्ट लेवल का था। मेरे नजर में भाई रॉक एक जिम करने वाला बंदा नहीं, एक स्टेरॉइड लेने वाला बंदा नहीं भाई, एक फिल्म बनाने वाला बंदा नहीं। मेरे नजर में भाई रॉक 1998 वाला रॉक है, जो कि भाई कुछ भी चीज कर सकता है, किसी भी तरीके से मैच को विन कर सकता, कोई भी हिल टैक्टिक्स अपना सकता भाई। विदाउट एनी हिल टैक्टिक्स भाई उन्होंने लिटरली सेथ रॉलिंस को भाई पानी ही पिला दिया था पूरे मैच के अंदर। वैसे भाई रेडी रहो कल के दिन रेसलमेनिया 40 के लिए, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई आपका क्या कहना है इसके मैच के बारे में भाई, सारे लोग अपना राय जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और हाँ भाई साथ ही साथ भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करना भाई मत भूलिएगा।